हेलो गाइस, बहुत ही ज़्यादा स्वागत है आपका एक और हमारी नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। सो गाइस, इस वीडियो में आज हम ऐसी आईफोन की एक ऐसी एरर के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसको आप कभी ना कभी अपने आईफोन को यूज़ करते वक्त फेस करते होंगे। सपोज गाइस, जब कई बार होता क्या है कि हमारी जो है आईफोन की जो टच है वो वर्क नहीं कर रही होती। जैसे इस टाइम मैं यहाँ पर इसको स्क्रॉल राइट कर रहा हूँ बट ये हो नहीं रही है। तो गाइस, इसमें होता है क्या है कि आपकी जो है इसमें टच प्रॉपर वर्क नहीं करती है। जो जैसे कि हम साइड में इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं, कई बार ये वर्क कर जाती है बट कई बार जो है ये टच आईक्यू इसकी जो है इसकी टच जो है प्रॉपर वर्क नहीं करती है। तो इसमें ऐसे में आप इसको कैसे फिक्स कर सकते हो घर बैठे ही? तो सबसे पहले गाइस, यहाँ पे जो है इसका ये प्रॉब्लम जो है कई बार जो है आपका अगर फ़ोन कहीं से गिर जाता है या फिर आपके हाथ से फिसल के गिर जाता है तब ये ऐसे की एरर आती है जब आपके टच आईक्यू में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। ऐसे में अगर आप अपने आईफोन को अगर किसी भी रिपेयर वाले के पास लेके जाते हो तो वो इसमें जो है आईक्यू जो टच आईक्यू जो है इसकी ख़राब हो गई है ऐसे इसमें प्रॉब्लम बता सकता है। ऐसे में गाइस, आपने कुछ नहीं करना है, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे जो है आप इसको फिक्स कर सकते हो अपने घर से ही। तो सबसे पहले गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ भी जो है इसकी वर्क नहीं कर रही। कभी कभी इसकी जो है टच जो है वर्क कर जाती है बट कभी कभी इसकी जो टच वर्क नहीं करती है। तो ऐसे में आप कैसे इसको जो है फिक्स कर सकते हो? तो सबसे पहले गाइस, यहाँ पे जो है वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो सबसे पहले गाइस, यहाँ पे करना क्या है कि आपके पास अगर ये ट्रिक जो गाइस मैं आपको बताऊंगा ये सभी iOS डिवाइस में अप्लाई हो सकती है एंड आप इसको सभी आईफोन्स में अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले गाइस, आपने करना है कि यहाँ पे जो है आपको जब कभी भी आपको ऐसे की एरर फेस करनी पड़े, यानी कि जब कभी कभी आपकी टच चल रही हो बट कभी कभी जो आपकी टच वर्क नहीं कर रही है। तो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हो मैं यहाँ पे टच कर रहा हूँ तो यहाँ पे जो है अभी यहाँ पे टच इसकी वर्क नहीं कर रही है। तो आप इसको कैसे फिक्स कर सकते हो? सबसे पहले गाइस, यहाँ पे जो है आपने एक पावर जो आपको होम बटन पावर बटन जो है यहाँ पे आपने इसको होल्ड डाउन करना है। होल्ड डाउन करने के बाद जस्ट गाइस आपने 5 सेकंड तक वेट करना है। उसके बाद गाइस आपके सामने जो है स्लाइड टू पावर ऑफ का मेनू ओपन होकर आ जाएगा। तो गाइस, आपने यहाँ पे स्लाइड टू पावर ऑफ नहीं करना है, मैं बताता हूँ क्या करना है आपको। अब गाइस, यहाँ पे जो आपको पावर बटन जो है यहाँ पे गाइस आपने करना है, एक बार जो आपने यहाँ पे होल्ड करके रखना है जब आपके सामने स्लाइड टू पावर ऑफ का ऑप्शन आ जाता है, उसके बाद गाइस ये वाली जो बटन है आपने होम बटन जो है यहाँ पे इसको आपने होल्ड करके रखना है जब तक ये अपने आप होम स्क्रीन पे नहीं आ जाती है ये स्क्रीन। सो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हो जो मैंने यहाँ पे होल्ड करके रखा है उसके बाद यहाँ पे जो है हमारी जो है एंटर योर पासवर्ड जो आ चुका है। अब सिंपली आपने जो है अपना एंटर पासवर्ड कर देना है जो भी आपने एंटर किया है, उसके बाद गाइस ये आपकी अनलॉक हो जाएगी। अब हम गाइस यहाँ पे इसको चेक करते हैं जो मैंने आपको ट्रिक बताई है वर्क करती है नहीं। सो गाइस, आप यहाँ पे आप देख सकते हो ये बिल्कुल ही स्मूथली वर्क कर रही है, इसमें कोई भी एरर नहीं आ रही है। अगर आपको कभी भी ऐसे की एरर आती है कि यानी कि आपकी जो फ़ोन की जो है टच स्क्रीन जो वर्क नहीं करती है तो आपने सिंपली जस्ट यही करना है जो मैंने आपको बताया है। यहाँ पे आपने टैप ऑन करना है, इसको ऐसे होल्ड करके रखना है, उसके बाद जैसे होल्ड करके रखोगे आपके सामने जो है स्लाइड टू पावर ऑफ का ऑप्शन आ जाएगा। ऐसे एक ऑप्शन आने के बाद यहाँ पे आपने जो है होम बटन को जस्ट 5 सेकंड के लिए होल्ड करके रखना है। जैसे आप होल्ड करके रखोगे उसके बाद ऑटोमेटिकली जो आपकी है ये होम स्क्रीन पर आ जाएगा। ऐसे में होता क्या है कि गाइस, ये जो है प्रोसेस ये जो बेसिकली आईफोन की रैम क्लियर करने के लिए किया जाता है। ऐसे करके जो अगर आपका कभी भी फ़ोन थोड़ा सा भी हैंग होता है तो आप ये वाली ट्रिक अप्लाई करके अपने आईफोन को जो है, वैसे ही आईफोन कभी हैंग नहीं होता है बट आप फिर भी आप अपने चॉइस के मुताबिक जो है अपने आईफोन की रैम क्लियर कर सकते हो जो मैंने आपको प्रोसेस बताया है। ऐसे करने से गाइस आपकी जो है प्रॉब्लम 100% फिक्स हो जाएगी, आपको कहीं भी शॉप पे जाने की या फिर रिपेयर कराने की फ़ोन की जरूरत नहीं है। गाइस, आपकी बेसिकली जो टच आईक्यू जो है ख़राब तब होती है जब आपका फ़ोन गिर जाता है या फिर आपका हाथ से फिसल के या फिर कैसे भी बैंड हो जाता है फिर गिर जाता है, तब जाके आपकी टच आईक्यू में प्रॉब्लम आती है, तब आपको चेंज कराना पड़ सकता है। बट गाइस, अगर आपका फ़ोन नॉर्मली आपकी टच वर्क नहीं कर रही है फिर तो आप ये वाला ऑप्शन अप्लाई कर सकते हो जो मैंने आपको बताया है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, स्टे सेफ, बी ट्यून्ड।